बलिया में चुनावी सरगर्मी तेज है, जहां एक तरफ अध्यक्ष सभासद पद के प्रत्याशी नगर सहित वार्ड के विकास के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, तो वहीं महिला प्रत्याशी भी किसी से पीछे नहीं है। अपने वार्ड के विकास के लिए वो भी चुनावी मैदान में उतर आई हैं और जनता से वोट की अपील कर रही हैं। आपको बता दें कि महिला प्रत्याशी के रूप में दिन रात मेहनत कर विकास की बात कर जनता को भरोसा दिलाती सहतवार कस्बा वार्ड नंबर 8 की सभासद प्रत्याशी सुमन सिंह ने पहली बार अपने वार्ड से चुनावी मैदान में कदम रखा है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पूर्व में लगभग दो बार उनके पति इस वार्ड के सभासद रह चुके हैं। इस समय महिला सीट आई है जिसमें वो अपने वार्ड के विकास के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। वहीं सवालों का जवाब देते हुए श्रीमती सिंह ने बताया कि कुंवर सिंह का ननिहाल भी इसी वार्ड में पड़ता है, साथ ही निवर्तमान अध्यक्ष सरिता सिंह का आवास भी इसी वार्ड में है। उन्होंने कहा, मेरे पति द्वारा पूर्व में अपने वार्ड का विकास कराया गया है, अब मुझे जनता अपना आशीर्वाद देती है तो अपने वार्ड के विकास सहित साफ सफाई और स्वच्छता की जो रूपरेखा अभी तक चलती आ रही है उसे वो बरकरार रखेंगी। अपना परिचय बताइए, क्या नाम है और कहाँ की मूल निवासी हैं आप? मैं सुमन सिंह हूँ और मूल निवासी। इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, प्रत्याशी आपके दरवाजे पे आते जाते रहेंगे, तो क्या प्रत्याशी आप भी हैं कि आप वोटर हैं? नहीं, प्रत्याशी हूँ, पहली बार मैं उठा हूँ। इसके पहले मेरे पति थे, तीन चार बार जीते हैं। तो पिछली बार जो मेंबर थे वो क्या विकास का कार्य किए हैं आपके वार्ड में? स्कूल बनवाए, रोड बनवाए, मंदिर बनवाए, बहुत से काम किए, बिजली का भी काम वही करते हैं सारा, पानी का भी काम किए। आपके वार्ड में सड़कों की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी है, सब जगह सड़क बनता है। आपके वार्ड की पहचान क्या है, धरोहर क्या है? ये कुंवर सिंह स्कूल है, मूल निवासी यहाँ के कुंवर सिंह है। वीर कुंवर सिंह का ननिहाल सुनने में आ रहा है, यही है, इसी वार्ड के निवासी यही के हैं। आपके वार्ड में विद्यालय वगैरह है क्या? कुंवर सिंह स्कूल। कुंवर सिंह स्कूल विद्यालय की क्या स्थिति है? विद्यालय का बहुत अच्छा है स्थिति। अच्छा, सुनने में ये रहा कि आपके वार्ड से जो तत्कालीन इस समय जो नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हो चाहे अध्यक्ष हो, आपके ही वार्ड के से मूल निवासी हैं। हाँ। ये बात कहाँ तक सही है? बहुत सही है ये सब। आप चुनाव की तैयारी किस तरह की आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? अब चुनाव की सब जानते हैं। आप सुनिए, आप महिला है, अपने वार्ड के महिलाओं के लिए क्या सोच रखती है? यही कि महिला का विकास हो, बच्चा लड़की का सब जितना हो सपना वो पूरा हो। अच्छा, आप जनता के बीच में जाएंगे तो क्या कहकर वोट मांगेंगे? आपका मुद्दा क्या होगा, एजेंडा क्या होगा कि आप क्यों, आपको लोग क्यों वोट दे? महिला जब उठती है तो महिला का ही सपोर्ट करेंगी भाई, उनका वो दुख दर्द सब समझे। आप चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर अपने वार्ड के लिए जनता क्या कहना चाहती है? 8 नंबर वार्ड के लिए जनता जो कहेगी हम लोग करेंगे पूरा, उसका सपना करेंगे हम लोग। आपका सपना क्या, आप महिला है, आप चुनाव के मैदान में है, आपका सपना क्या है? यही सपना है कि हाँ, जितना महिला का है लड़की का है वो पूरा करेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे। अच्छा, आपके वार्ड में राशन सस्ते गले की दुकान है। हाँ। जो राशन बढ़ता है उसमें कोई कटौती नहीं होता है? नहीं, राशन पूरा का पूरा मिलता है। आपके वार्ड में आवास कितने लोग को मिला है? बहुत लोग को मिला है। आपके वार्ड की जनसंख्या कितनी है वोटरों की? 1500। महिला और पुरुष कितने? महिला 800 होंगी। हाँ, पुरुष? पुरुष 800। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपके वार्ड में, ये मैं देख रहा हूँ चारों तरफ नालियों में पानी होने का स्थिति, और लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की तो अच्छी है व्यवस्था। अच्छा, नाली की साफ सफाई होती है ना? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।